हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका स्वागत करती हूँ नवीन आईटीआई के चैनल पे, जहाँ पे आज हम तो क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपके सभी इलेक्ट्रिकल वालों के जितने भी सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट से थोड़े क्वेश्चंस लिए गए हैं, जो कि आपके क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? पहले मुझे क्लियर कर दीजिए, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, तो आज जो है हम क्वेश्चन जो करने वाले हैं, वो सभी सभी आपके जो इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट हैं उन सभी का मिक्सअप होने वाला है, ठीक है? ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये डिज़ाइन ऐसे ही किए जा रहे हैं, जैसे कि आपका एग्ज़ाम्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट में शेयर कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम, ठीक। स्टार्ट करते हैं। देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन? इसका सेफ्टी साइन का वो पूछ रहा है आपसे क्या है, का नेम क्या होगा? मैंडेटरी साइन है, या फिर वार्निंग साइन है, या फिर आपके प्रोहिबिशन साइन है, ठीक है, या फिर इंफॉर्मेशन साइन है? अब देखें, यहाँ पे जो है आपके वार्निंग साइन को हम क्या बोलते हैं, चेतावनी साइन भी बोलते हैं, ठीक है, जो आपने देखा है, और मैंडेटरी साइंस चेतावनी साइंस होते हैं हमारे, ठीक है, जिनको हम आवश्यक चिन्ह भी बोलते हैं हिंदी में, और प्रोहिबिशन साइन को हम निषेधक चिन्ह बोलते हैं हिंदी में, हिंदी वालों के लिए भी मैं बोल रही हूँ। इंफॉर्मेशन साइन मतलब सूचनात्मक साइन, सूचनात्मक चिन्ह, ठीक है? तो ये जो आपको दिख रहा है ये किस प्रकार का चिन्ह है, क्या आप मुझे कमेंट में बता दीजिए कि किस प्रकार का ये आपका साइन है? बताइए किस कौन सा होगा ये? बताइए। हाँ जी, ये जो है आपके ये कौन से साइन होते हैं जो कि आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो इस वजह से क्या क्या हो गया, प्लस का साइन है। दैट मीन्स क्या है कि इसके यहाँ पर क्या है, हॉस्पिटल के लिए ये आपको सूचना दे रहा है कि यहाँ पे आसपास क्या है, हॉस्पिटल है, ठीक है? तो ये आपका इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन साइन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन साइन बोलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है आपसे, ठीक है? देखिए, सेकंड साइन आपको, सेकंड क्वेश्चन आपको बोल रहा है, व्हाट इज द स्मूदरिंग इन एक्सटिंग्विशर ऑफ फायर? मतलब अग्नि का शमन क्या है, ठीक है? ये पूछ रहा है कि एक्सटिंग्विशर में कौन सी स्मूदरिंग होती है। देखिए, एडिंग द फ्यूल एलिमेंट टू द फायर, पहला ऑप्शन आपको दिया गया है, एडिंग द फ्यूल एलिमेंट टू द फायर। देखिए, एडिंग टू द फ्यूल एलिमेंट, अग्नि में ईंधन मिलाना, या फिर रिमूविंग द फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर, अग्नि से ईंधन अलग करना, ठीक है? फिर आपका तीसरा क्वेश्चन, तीसरा ऑप्शन आता है, यूजिंग ऑफ वाटर टू लूज लोअर द टेम्परेचर, टेम्परेचर को घटाने के लिए, ठीक है, जल का उपयोग करके तापमान कम करना, ठीक है, या फिर आइसोलेटिंग द फायर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट? जो एक्सटिंग्विशर का काम होता है, वो एक्सटिंग्विशर काम यही होता है कि उस वो क्या करता है, ऑक्सीजन कट कर देता है, और यहाँ पे इसी वजह से यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा आपका करेक्ट, करेक्ट ऑप्शन होगा आपका डी, आइसोलेटिंग द फायर फ्रॉम ऑक्सीजन, ठीक है? मतलब अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना, ठीक है, ये आ जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच इज द करेक्ट सीक्वेंस देखिए विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू परफॉर्म्ड व्हेन यूजिंग द फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है, क्या इसका एक सही सीक्वेंस होता है अग्निशामक को यूज करने का, वो आपसे पूछा है। तो क्या होगा बताइए, सॉरी एक क्वेश्चन हमने पीछे छोड़ दिया है तो पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए विच इज द फिजिकल हैजार्ड, इसमें से भौतिक हानि पूछी है आपसे, भौतिक हानि कौन सी है, होती है आपकी, ठीक है। पहला है आपका स्मोकिंग, दूसरा है वाइब्रेशन, फिर तीसरा है आपकी कोरोसिव, या फिर फोर्थ है आपका रेडियो एक्टिव, और जिसको हम स्मोकिंग को क्या बोलते हैं, धूम्रपान भी बोलता है, वाइब्रेशन मतलब कंपन, ठीक है, या फिर शरण कोरोसिव होता है, रेडियो सक्रियता को, तो इसमें से कौन सा रहने वाला है ये बताइए आप। तो इसमें जो फिजिकल हैजार्ड होगा, फिजिकल हैजार्ड जो होती है वो बाहरी चोट होती है, तो वो होगी आपकी वाइब्रेशन, ठीक है। यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर आ जाता है वो कौन सा आता है, वाइब्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड व्हेन यूजिंग द फायर एक्सटिंग्विशर, जब भी हम फायर एक्सटिंग्विशर को काम करेंगे तो हमारा क्या क्या स्टेप होने चाहिए, वो आपसे पूछा है। पहले ऑप्शन में आपसे क्या पूछा है, क्या दिया है देखिए, पुल एम स्क्वीज स्वीप, मतलब खींचना, निशाना लगाना, दबाना, फिर घुमाना, ठीक है, ये करना चाहिए। या फिर दूसरा सीक्वेंस आपको दिया गया है, पुल एम स्वीप स्क्वीज, मतलब खींचना, निशाना लगाना, घुमाना और दबाना, ठीक है। फिर सी आपका आंसर आता है, पुश करना, धकेलना, ठीक है, व्यवस्थित करना, अरेंज करना, या फिर सीक्वेंस स्क्वीज करना, ठीक है, दबाना, स्वीप, फिर घुमाना, ये होगा, या फिर आपका पुश करना, धकेलना, व्यवस्थित करना, स्वीप करना, सीक्वेंस करना, तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा जब आप एक फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ कर रहे होंगे, तो बताइए कौन सा होगा। थर्ड, नहीं, पुल एम स्क्वीज स्वीप ये होता है आपका, पहले आप उसको क्या करेंगे, खींचेंगे, फिर निशाना लगाएंगे, फिर निशाना लगाने के बाद आप क्या करेंगे, दबाएंगे, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, घुमाएंगे, ठीक है, ठीक है, ये सीक्वेंस आपका रखा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या बोल रहा है आपको, अब देखिए, विच प्लायर इज यूज फॉर मेकिंग वायर हुक्स एंड लूप्स, जो आपके वायर के लूप्स बनाने तो हुक बनाने होते हैं, उसके लिए कौन सा प्लायर इस्तेमाल होता है, वो आपसे पूछा गया है, ठीक है, ठीक है, कौन से प्लायर का उपयोग तार के लिए होता है, तार हुक और लूप बनाने में होता है, राउंड नोज होता है, डायगनल कटिंग होता है, या फिर इसमें थोड़े ऑप्शंस हमारे कट गए हैं, कौन सा प्लायर इसके लिए इस्तेमाल होता है, वो हमको जानना है, कौन सा होता है, फोर्थ का सी, हम्म,
तो इसमें जो होगा आपका, इसमें क्या होगा, डायगनल कटिंग जो प्लायर होता है, डायगनल कटिंग प्लायर हुक्स वगैरह बनाने के लिए और लूप वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। में जो है आपके राउंड नोज प्लायर यूज होगा, जो कि आपका सी आंसर सी, ठीक है। राउंड नोज प्लायर इसमें इस्तेमाल होता है। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है, इस वजह से हम इसको वैसे देख लेते हैं। इस कौन सा प्लायर इस्तेमाल होता है, राउंड नोज प्लायर, ठीक है। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, तो आपको मेरी आवाज़ आ रही है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ पिंसर। आपने पिंसर देखा है, पिंसर का इस्तेमाल पूछ रहा है अब ये आपसे, पिंसर का क्या इस्तेमाल होता है वो पूछ रहा है। तो देखिए क्या क्या इसने आपको ऑप्शन दिया है। ट्विस्टिंग द फ्लेक्सिबल वायर्स, फ्लेक्सिबल वायर को क्या करना, विस्ट करना, मतलब उसको क्या करना, ट्विस्ट करना, ठीक है, मोड़ना, या फिर कटिंग स्मॉल डायमीटर ऑफ वायर्स, छोटे व्यास के तार काटना, ठीक है, या फिर एक्सट्रैक्टिंग द पिन नेल्स फ्रॉम द वुड, लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना, या फिर आपका आता है होल्डिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स वेयर फिंगर कैन नॉट रीच, ठीक है। उसका मतलब है छोटी वस्तुएं पकड़ना जहां उंगली ना पहुंच सके, ठीक है, जहां पर उंगली ना पहुंच सके। तो बताइए इसमें कौन सा पिंसर का क्या इस्तेमाल होता है वो बताइए। पिंसर का इस्तेमाल होता है आपका लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालने का काम होता है पिंसर का। तो यहाँ पे इसी वजह से आपका जो करेक्ट आंसर आ जाता है, वो करेक्ट आंसर क्या आ जाता है आपका, सी, ठीक है, एक्सट्रैक्टिंग द पिन फ्रॉम द वुड, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं, अब देखिए, अब इसने आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द रोड सेफ्टी साइन, इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। इस सुरक्षा आपको, आपने ये जो है रोड पे भी देखे होंगे कहीं पे, ठीक है, तो बताइए इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम होगा, ये बताइए आप। बताइए इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम होगा, मैंडेटरी साइन है ये या फिर क्वेश्चनिंग साइन है, जिसे हम सचेतक चिन्ह भी बोलते हैं। फिर आपका आता है इंफॉर्मेटरी साइंस, ये आपके जो है सूचनात्मक साइन है, या फिर प्रोहिबिशन साइंस है, मतलब जिसे हम बोलते हैं निषेधात्मक साइंस। तो ये कौन सा साइन होगा आपका, सी आंसर, ओके, इंफॉर्मेटरी साइंस। तो बताइए क्या यही आपका करेक्ट आंसर, मैंडेटरी साइंस होते हैं ये आपके, ये जो साइन है ये आपका मैंडेटरी साइन है कि आपको यहाँ पे ये चीज करनी ही करनी है, ठीक है, ये इंफॉर्मेटिव साइन नहीं है। और इंफॉर्मेटरी साइंस वो होते हैं जो कि आपको कोई इंफॉर्मेशन दे, ठीक है, जैसे कि हॉस्पिटल के बारे में हो गया, या फिर कोई भी आपके पुलिस स्टेशन हो गया उसके बारे में बताते हैं, वो आपके इंफॉर्मेटरी साइंस होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइंस इन द बेसिक कैटेगरी, मतलब मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पक्ष भाग का रंग क्या होता है, मतलब जो पीछे की साइड उसका बैकग्राउंड कलर होगा वो क्या होगा, वो आप मुझे कमेंट में बताइए। बी, व्हाइट, व्हाइट बता रहे हैं आप,
नहीं, जो वार्निंग साइंस होते हैं वो आपके येलो कलर में होते हैं, जिनका बैकग्राउंड कैसा होता है, येलो कलर का होता है, ठीक है। बी, यहाँ पे है आपका सी आंसर, ठीक है। ये कैसे होंगे, बैकग्राउंड कलर इनका कैसा होगा, येलो कलर का होगा, आपने देखा होगा, ठीक। जो वार्निंग साइंस होते हैं वो आपके जो है येलो एंड ब्लैक कलर की, उस पे ऊपर के साइड आउटलाइन होती है, उसके बने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट आपके क्या क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज फॉर फायर ऑन इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट इक्विपमेंट्स, मतलब विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है। तो बताइए कौन सा अग्निशामक प्रयोग होगा यहाँ पे, हेलॉन टाइप होगा, फोम टाइप होगा, या फिर गैस कार्टेज टाइप होगा, या फिर स्टोर्ड प्रेशर टाइप होगा। बताइए क्या आंसर होगा इसका करेक्ट, बताइए। कौन सा, अगर इलेक्ट्रिकल फायर होती है तो इलेक्ट्रिकल फायर में कौन सा आपका यूज होगा, हेलॉन टाइप होगा, फोम टाइप होगा, गैस कार्टेज होगा, या फिर स्टोर्ड प्रेशर टाइप होगा। तो आंसर क्या आ रहा है, सी, एट्थ का सी, एट्थ का तो सी है। आप नाइन्थ का बताइए, नाइन्थ का क्या होगा आंसर। अगर आपकी विद्युत आग लगी होती है तो विद्युत आग आपकी जो है क्या हेलोन से बुझाई जाती है, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो आपका होता है हेलोन टाइप, ठीक है। हेलोन प्रकार की जो आपके फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं हम उनको इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे भी विद्युत आग लगती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। देखिए, विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसको पीपीई यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्यूम्स, अब जो आपके फ्यूम्स होती हैं, जो मतलब आपकी क्या केमिकल गैसेस हो गई, ठीक है, केमिकल गैसेस से क्या चीज हमें बचाएगी वो बताइए। इसमें आपकी एप्रन बचाएगा, या फिर आपका चश्मा बचाएगा, गॉगल्स बचाएंगे, या फिर आपका मास्क बचाएगा, ईयर मास्क बचाएगा, या फिर नोज मास्क बचाएगा। फ्यूम्स, आपको पता होगी फ्यूम्स किसे बोलते हैं, फ्यूम्स जो आपकी बहुत ज़्यादा हानिकारक, क्या बोलते हैं उसको, मेरे को वर्ड याद नहीं आ रहा है, जो फ्लेम्स होती है ना, लाइक धुआं, हाँ, जो आपने धुआं देखा होगा वो कौन, उससे बचने के लिए हमें क्या चीज़ यूज़ होगी बताइए। इनमें से बहुत इजी आंसर है ये, तो 10th का आंसर क्या होगा आप मुझे कमेंट में बताइए। बताइए 10th में क्या क्या आंसर होगा 10th का। तो यहाँ पे जो पीपी किट है, पीपी किट से बचने के लिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो आंसर आपसे क्या, कौन बचाता है, नोज मास्क आपको बचाता है, क्योंकि जो आपकी फ्यूम्स है वो आपके नोज के थ्रू ही एंटर होती है। इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है, नोज को प्रोटेक्ट करना पड़ता है कि जिससे कि फ्यूम्स अंदर ना चली जाएं, ठीक है। क्या आपको मेरी आवाज़ सही से आ रही है, ओके, करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे देखिए, बहुत ही आपसे पूछा गया है,
वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ बी आई एस? बी आई एस की फुल फॉर्म क्या होगी, ये आपसे पूछा है। तो क्या होगी यहाँ पे बी आई एस की फुल फॉर्म? देखिए, बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, या फिर बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, या फिर ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो कौन सी होगी इसमें? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। बी आई एस जो है वो आपका ब्यूरो है, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड का। हमारे यहाँ का जो स्टैंडर्ड आता है वो बी आई एस में आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट आपसे क्या पूछता है। देखिए, विच मैथड इज यूज टू लिफ्ट एंड मूव हैवी लोड्स? और देखिए, भारी भार उठाने और ले जाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? यहाँ पे क्या पूछा है आपसे? हैवी वेट को उठाने के लिए किस विधि का इस्तेमाल होगा, वो आपसे पूछा गया है। तो आपको ऑप्शंस इसके लिए देखने के लिए मिल जाते हैं, विंचेस, ठीक है, क्रेन एंड स्लिंग्स, या फिर लेयर्स एंड रोलर्स, या फिर मशीन मूविंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। कौन सा होगा इसमें आंसर आपका? करेक्ट आंसर बताइए मेरे को, कमेंट में शेयर करिए। 12th, जो आपके भारी चीज होती हैं, भारी वस्तुओं को उठाने के लिए जो है हम इस्तेमाल करते हैं, किसका? क्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आ जाता है, करेक्ट आंसर आ जाता है आपका बी, जो कि है आपका क्रेन एंड स्लिंग्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है उस पर फोकस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, व्हाट इज स्टार्विंग इन एस्टिंग्विशर फायर, ठीक है। आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? यहाँ पे आपसे स्टार्विंग के बारे में पूछा गया है, आग बुझाने के लिए स्टार्विंग के लिए पूछा गया है। तो बताइए, एडिंग फ्यूल टू द फायर, आग में ईंधन जोड़ना, या फिर आग को ठंडा करने के लिए पानी का प्रयोग करना, यूजिंग वाटर टू कूल द फायर। थर्ड ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, रिमूविंग फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर, आग में ईंधन तत्व निकालना, ठीक है, या फिर डी, प्रिवेंटिंग ऑक्सीजन सप्लाई टू द फायर, आग में ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोकना। तो इसमें से कौन सा मेथड आपके हिसाब से सही होगा मेरे को बताइए। देखिए, अगर आपको एस्टिंग्विशर नहीं है आपके पास, तो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं सॉरी, फ्यूल एलिमेंट को जो है हमें क्या करना चाहिए, आग से अलग हटा देना चाहिए सबसे पहले, ठीक सॉरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस पीपीई का नाम बताइए आप, इस पीपी का नाम क्या है? आपने ये पीपी कहीं, आपने यहाँ पे, आप मार्केट में जाते होंगे तो मार्केट में भी आपने देखा होगा, ठीक है। तो बताइए कौन सा इसमें करेक्ट आंसर होगा, 14th का बताइए। देखिए, आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, नोज मास्क, हेड शील्ड, ठीक है, या फिर फेस शील्ड, या फिर हैंड स्क्रीन। तो इस पीपीई को हम क्या बोलते हैं वो बताइए। इसको हम क्या बोलते हैं? इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है क्या, इसको हम बोलते हैं फेस शील्ड, ठीक है, जो कि आपके चेहरे को बचाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये हमने पिछली क्लास के सेशन में भी डिस्कस किया था कि ये क्या होता है, ये आपके जब आप वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग में क्या करता है, ये आपको हेल्प करता है कि आपको ज़्यादा हानि ना हो, आपके फेस को कुछ ज़्यादा हार्म ना हो जाए, इस वजह से हम जो है फेस शील्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? फेस शील्ड बोलते हैं, जो कि हम क्या करते हैं, हैंड से पकड़ते हैं, ठीक है, और फेस के सामने लगाते हैं जब भी हम वेल्डिंग या फिर
कोई भी ऐसा काम करता है जिसके छींटे लगने से हमारा फेस खराब हो जाएगा, या काम करने से हमारा फेस क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, सॉरी, इसको हम हैंड शील्ड बोलते हैं। मैंने गलत बोल दिया। इसको हम हैंड स्क्रीन बोलते हैं। हैंड स्क्रीन इसलिए बोल दिया गया है क्योंकि इसको हैंड से पकड़ते हैं, तो इसलिए इसको हैंड स्क्रीन बोल दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15th क्वेश्चन। विच आर्टिफिशियल, हाँ देखिए, आप क्या पूछा गया है, विच आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मेथड इज टू बी परफॉर्म्ड टू द विक्टिम विद इंजरीज ऑन द चेस्ट एंड बेली। किस प्रकार की कृत्रिम श्वास विधि का इस्तेमाल करेंगे अगर उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसको क्या हो, छाती और पेट में चोट लगी हो। कहाँ पे चोट लगी हो, चेस्ट पे और छाती और पेट पर, स्टमक पर चोट लगी हो, तो हम कौन सी विधि का इस्तेमाल करेंगे, वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए कौन कौन सी विधियाँ दी गई है आपको, स्वैफर विद मेथड है, और फिर माउथ टू माउथ है, या फिर माउथ टू नोज मेथड है, या फिर नेल्सन आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड है। तो कौन सा मेथड यहाँ पे यूज होगा? बताइए। थर्टींथ वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप। 13 क्वेश्चन में क्या है? ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, फ्यूल एलिमेंट को हटा देते हैं। फ्यूल एलिमेंट को अगर हम हटा देंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे हमारी जो फायर है, फायर के चांसेस कम हो जाते हैं। आग बुझाने में क्या होता है, स्टार्विंग क्या होती है, ये पूछा था आपसे। स्टार्विंग मतलब वही कि क्या क्या मेथड आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, एडिंग फ्यूल टू द फायर, ये तो आप नहीं करेंगे। अगर आप फ्यूल उसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा, और ज्यादा आग लग जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यूजिंग वाटर टू कूल द फायर, वाटर का इस्तेमाल हर जगह नहीं होता है बुझाने के लिए, तो ये भी मेथड जो है आपका करेक्ट नहीं होगा। सेकेंड आपसे, थर्ड आपसे पूछा गया है, रिमूविंग फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर। ठीक है, फ्यूल एलिमेंट जो है, जो ज्वलनशील पदार्थ है, उसको हटा देना, या फिर प्रिवेंटिंग ऑक्सीजन सप्लाई टू द फायर। अगर हम ऑक्सीजन देंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन देने से और जो आग है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी और वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेगी। इस वजह से यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आता है आपका, करेक्ट आंसर आता है रिमूविंग द फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर, मतलब सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब कोई डाउट है? तो यहाँ पे जो है आपका 15th है आपका, 15th का क्या आंसर होगा? 15th का बी, माउथ टू माउथ नहीं करेंगे। माउथ टू माउथ जब लेते हैं जब किसी व्यक्ति को सांस ना आ रही हो, ठीक है, बट यहाँ पे सांस आ रही है बट उसको चेस्ट और बैली में प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पे आप कौन से विधि का इस्तेमाल करेंगे बताइए। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर आता है वो आता है आपका नेल्सन आर्म लिफ्ट बैक। ठीक है, इस विधि का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फिर आप देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
Which type of occupational health hazard is cause for infection? किस प्रकार के व्यावसायिक देखिए, फिर आपका ऑप्शन क्वेश्चन देखने को मिलता है आपको, विच टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड इज कॉज फॉर इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से क्या किस टाइप की हेल्थ हैजार्ड होगी आपको? ठीक है, बताइए। इलेक्ट्रिकल हैजार्ड होगी, बायोलॉजिकल हैजार्ड होगी, फिजिकल हैजार्ड होगी या साइकोलॉजिकल हैजार्ड होगी? ठीक है, अब देखिए, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है, आपका इन्फेक्शन किस की वजह से हो सकता है वो आपसे पूछा गया है, तो क्या आंसर बता रहे हैं? ए, ए की वजह से नहीं होगा। ए आपने किसका आंसर दिया है? पहली बात, जिस भी क्वेश्चन का आप आंसर दें उसका नंबर पहले डाल दें, उसके बाद उसका आंसर लिखें, तो मुझे समझ में आ जाएगा आप किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, किसकी वजह से होगा? इलेक्ट्रिकल हैजार्ड की वजह से क्या है? इलेक्ट्रिकल अगर कोई हैजार्ड होता है तो आपकी जान को भी खतरा जा सकता है और आपकी सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो यहाँ पे इन्फेक्शन के कोई चांसेस ज़्यादा नहीं रहते हैं। ठीक है, फिर आपको ऑप्शन क्या दिया गया है? बायोलॉजिकल हैजार्ड, जो कि जैविक नुकसान होता है। ठीक है, जैविक नुकसान से होगा। या फिर तीसरा ऑप्शन आपसे पूछा गया है, शारीरिक खतरा, कोई भी शारीरिक खतरा होगा उससे, या फिर साइकोलॉजिकल हैजार्ड, जो कि आपकी मानसिक बीमारी होती है उससे उससे खतरा होगा। तो बताइए किससे खतरा होगा आपको? जो इन्फेक्शन है वो जो है आपके बायोलॉजिकल हैजार्ड से ज़्यादा होता है, अगर आपने कुछ भी खराब खाना खा लिया या कुछ भी हो गया तो उसकी वजह से जो है आपका क्या हो जाता है, आपको इन्फेक्शन के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सेवेंटीन क्वेश्चन, आपने ये टूल्स देखी है ध्यान से, इस टूल को देखने के बाद बताइए कि किससे ये टूल का नाम क्या है वो बताइए। होल्डिंग द इसका सॉरी व्हाट इज द यूज ऑफ दिस टूल, इसका क्या काम है ये आपसे पूछा गया है। अब देखिए, ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, होल्डिंग द हॉट सब्सटेंस, गर्म पदार्थों को पकड़ना, या फिर बी ऑप्शन आपको देखने के मिल जाता है, कटिंग एंड ट्विस्टिंग द वायर्स, तारों को काटना और मोड़ना, फिर आ जाता है एक्सट्रैक्टिंग नेल्स फ्रॉम द वुड, लकड़ी से कीले निकालना। ठीक है, फिर डी ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है, लूजनिंग एंड टाइटनिंग द बोल्ट्स एंड नट्स, मतलब बोल्ट और नट को ढीला करना या फिर कसने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बताइए 15th का सी, 15th का सी करेक्ट आंसर है, नेल्सन नेल्सन विधि है उसमें। तो यहां पे देखिए इसमें क्या है, ये जो टूल है ये आपको क्या करता है, एक्सट्रैक्टिंग नेल्स फ्रॉम द वुड करता है। ये आपका पहले भी आया था, जिसको हम क्या बोलते हैं, इस टूल का नाम क्या है, इस टूल का नाम पिंसर है। ठीक है, ये आपका एक्सट्रैक्टिंग नेल्स करता है, वुड में से निकालने के लिए नेल्स को इस औजार का इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है वो देखते हैं। अब देखिए, ये आपने सेफ्टी साइंस देखा होगा है ना, पहले आप ये टूल देख सॉरी साइन देख लीजिए।
सॉरी, कुछ प्रॉब्लम हो गई है उसकी वजह से, सॉरी हमारा हट गया है। तो क्वेश्चन आगे, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या बोल रहा है आपसे। व्हाट विल बी द फर्स्ट एड टू बी गिवन टू स्टॉप द ब्लीडिंग फ्रॉम द विक्टिम? पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है, वो आपसे पूछा गया है। तो 19th क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिए गए हैं, अप्लाइंग ऑइनमेंट, कीप द इंजर्ड पोर्शन अपवर्ड, चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखना, या फिर चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग करना, चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। तो क्या चीज हमें इस्तेमाल करनी चाहिए जब ब्लीडिंग होगी, तो ये बताइए। बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा। बताइए इसका क्या आंसर होगा। 19th का सी, कवरिंग द वुड पोर्शन बाय ड्रेसिंग। हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। नहीं, हम वहाँ पे ऑइंटमेंट लगाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा हमें दुख पहुँचेगा, इसलिए हम वहाँ पे ऑइंटमेंट नहीं लगाते हैं। फिर आपका आता है कीप द इंजर्ड पोर्शन अपवर्ड, क्या हमें उसे ऊपर रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपसे पूछा गया है अप्लाइंग प्रेशर ओवर द इंजर्ड पोर्शन। अगर आप प्रेशर डालते हैं तो प्रेशर डालने से क्या हो जाता है, सॉरी, ये कवरिंग से पहले आप क्या, एक ये कवरिंग से पहले आपको जो ध्यान में रखने वाली चीज होती है वो होती है आपकी प्रेसिंग प्रेशर, अप्लाइंग प्रेशर ओवर द इंजर्ड पोर्शन। जब आप उस पे प्रेशर डालते हैं तो जो आपका खून का बहाव होता है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर आता है डी। फिर आपका देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। विच इज द वेस्ट डिस्पोजल मेथड दैट प्रोड्यूसेस हीट? आप क्या पूछ रहा है, अपनिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है? रिसाइकलिंग, कंपोजिंग मतलब खाद जिसको हम सॉरी इंसिनरेशन, या फिर वेस्ट कॉम्पैक्शन जिसको हम अपशिष्ट संधनन भी बोलते हैं हिंदी में। तो बताइए क्या होगा 20 20 का आंसर।
हेलो स्टूडेंट्स, अब मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, मेरी आवाज़ अब क्लियर आ रही है? हेलो, ठीक है. तो देखिए, अब आपसे 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है वो पूछ लेते हैं, ठीक है? देखिए, 21 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, विच डिस्पोजल मेथड, सॉरी, ये तो हमने पहले कर लिया था. हाउ विल यू डायग्नोज द विक्टिम, ये क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ठीक है? हाउ विल यू डायग्नोज द विक्टिम इज सफरिंग अंडर हार्ट अटैक. अगर किसी को हार्ट अटैक आया है तो आपको कैसे पता लगेगा, वो आपसे पूछा गया है. तो देखिए, आपके पास ऑप्शन मिलते हैं आपको. गेट स्प्लेन इन द स्पाइनल कॉर्ड, उसकी रीढ़ की हड्डी में दर्द होगा, ठीक है, पहला ऑप्शन. दूसरा, माउथ विल बी क्लोज टाइटली, मतलब मुंह कस के बंद हो जाएगा. या फिर हैवी स्वेलिंग ऑन हिज स्टमक, स्टमक पे ज़्यादा हैवी, ठीक है? तो अब मेरे क्वेश्चंस का आंसर दीजिए आप, अगर आपको मेरी आवाज़ सही से आ रही है तो, ठीक है? हाँ जी, तो देखिए इसमें क्या पूछा है. गेट गेट स्पाइनल कॉर्ड, माउथ विल बी क्लोज टाइटली, या फिर हैवी स्वेलिंग ऑन हिज स्टमक, या फिर अपीयर्स ब्लू अराउंड हिज लिप्स. तो कौन सा होगा बताइए? 22 का बी. ओके, माउथ विल बी क्लोज टाइटली. और देखिए, जब भी हार्ट अटैक वाली सिचुएशन होती है तो हमारा जो है माउथ क्लोज हो जाता है टाइटली. ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट पे क्या आता है आपके, ठीक है? देखिए, अब आपसे इस टूल का नाम पूछा गया है. इस टूल का नाम बताइए, इस टूल को हम क्या बोलते हैं? आपके पास ऑप्शन है वायर स्ट्रिपर, क्रिम्पिंग टूल, कॉम्बिनेशन प्लायर, या फिर डायगनल कटिंग प्लायर. इसको हम किस नाम से जानते हैं वो आपको बताना है. बताइए, 22 का बी, यस, करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, 24, 23 आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपको फिगर दी जाएगी. वहाँ पे भी सेम आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वहाँ पे आपको ऐसे ही फिगर दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि इस फिगर को हम क्या बोलते हैं, या फिर इसका क्या नाम है, ये आपसे पूछा जाएगा. तो बताइए इसका क्या नाम है? वायर स्ट्रिपर है, क्रिम्पिंग टूल है, कॉम्बिनेशन प्लायर है, या फिर ये डायगनल कटिंग प्लायर है? तो 23 का है डी आंसर, बिल्कुल सही आंसर है आपका, डायगनल कटिंग प्लायर, ठीक है? बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, क्योंकि ये एक कॉम्बिनेशन प्लायर भी नहीं है, ना ही ये एक वायर स्ट्रिपर है, ना ही ये एक क्रिम्पिंग टूल है, ये क्या है? डायगनल कटिंग प्लायर है, ठीक है? नेक्स्ट हम देखते हैं. अब ये पूछ रहा है विच कंडीशन ऑफ द विक्टिम इज रेफर्ड एज कॉमा स्टेज, मतलब पीड़ित की किस स्थिति को कॉमा स्टेज कहा जाता है. कौन सी स्टेज आ जाएगी जब हम एक पर्सन को कॉमा के लिए बोल दें कि हाँ ये कॉमा में है या फिर कॉमा की कंडीशन में है. तो देखिए आपको क्या क्या देखने के लिए मिल जाता है. क्वेश्चन नंबर 1, अनकॉन्शियस बट कैन रिस्पॉन्ड इन टू कॉल्स. कॉन्शियस मतलब बेहोश रहना, पर क्या बोल रही है,
बुलान पर उत्तर देना, मतलब अगर कोई उससे बोलेगा तो वो आंसर देगा, ठीक है। पहला आंसर आपका ये है, दूसरा आता है कॉन्शियस बट कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू कॉल्स, मतलब होश में तो है बट वो आपकी कॉल्स का जवाब नहीं दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रीदिंग बट कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू कॉल्स, सांसें चल रही है बट वो आपकी किसी भी कॉल का जवाब नहीं दे रहा है, ठीक है। फिर डी आता है आपकी लाई टोटली सेंसलेस एंड डू नॉट रिस्पॉन्ड टू कॉल्स, पूरी तरह से वो क्या होगा, संवेदनशील होकर लेटे रहेगा और किसी भी कॉल्स का जवाब नहीं देगा। तो यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन का आंसर होता है वो आपका होता है डी आंसर, ठीक है। डी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। वो क्या होगा, वो पूरी तरीके से लेटा रहेगा और उसमें कॉल्स के लिए, मतलब अगर कोई उसको बुलाएगा तो वो उसके जवाब नहीं दे पाएगा, तो इसी वजह से आपका डी क्वेश्चन बिल्कुल, डी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये, अब इससे पूछा गया है व्हाट इज द यूज ऑफ दिस गेज, इस गेज का क्या उपयोग है आपको ये बताना है, ठीक है। पहला आपका आता है चेकिंग, चेक द इंटरनल रेडियस ऑफ द जॉब, जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना, या फिर चेक द डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल जॉब, बेलनाकार जॉब का व्यास जांचना, या फिर चेक द हाइट एंड पैरेललिज्म ऑफ जॉब, जॉब की ऊंचाई और समानांतरता जांचना, या फिर डी क्वेश्चन, डी ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है सेट द जॉब ऑन मशीन्स पैरेलल टू डेटम, मतलब जॉब को मशीन के डेटम के समानांतर रखना। तो बताइए इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा। 25th का पूछ रहा है, ट्वेंटी फिफ्थ का क्या होगा, चेक द डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल जॉब, जो सिलेंड्रिकल जॉब होती है उसका डायमीटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका आ जाता है बी करेक्ट आंसर हो जाता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, वॉट इज द यूज ऑफ मोर्टाइज चीजल, आपने मोर्टाइज चीजल देखा होगा, मोर्टाइज चीजल का क्या काम होता है अब आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। पहला आपका देखने के लिए मिल जाता है जनरल चीजलिंग वर्क टू लकड़ी, मतलब लकड़ी के सामान्य छेनीकरण करना, या फिर मेकिंग रेक्टेंगुलर होल्स इन वुड, लकड़ी में आयताकार छेद करना। फिर तीसरा आता है पेयरिंग एंड फिनिशिंग जॉइंट्स इन वुड कॉन्स्टेंट, मतलब लकड़ी को छिलना एवं फिनिश देना। डी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है लाइट चीजिंग क्लींजिंग शार्प कॉर्नर्स एंड इन द वुड, मतलब लकड़ी में हल्का छेनीकरण तथा तेज किनारों की सफाई। तो बताइए इसमें से आपका कौन सा करेक्ट आंसर होता है, 26th का क्या होगा वो बताइए। बताइए इसमें कौन सा आपका, इसमें करेक्ट आंसर होगा, तो इसमें कौन सा होगा, लकड़ी में छिलना एवं फिनिश देना, ये आपका मोर्टाइज चीजल का काम होता है, ठीक है।
इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या देखने के लिए मिल जाता है. ठीक है, देखिए, विच टाइप ऑफ स्टेक इज यूज फॉर शार्प बैंड्स इन शीट मेटल. जो आपकी शीट मेटल होती है, शीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार के स्टेक का उपयोग किया जाता है. स्क्वायर स्टेक होते हैं, हैच स्टेक होते हैं, या फिर ब्लो हॉर्न स्टेक होते हैं, या फिर बेवल एच स्क्वायर स्टेक होते हैं. तो किस टाइप के स्टेक होते हैं बताइए, किस टाइप के स्टेक देखने के लिए मिल जाते हैं आपको. यहाँ पे जो आपको देखने के लिए मिल जाते हैं वो होते हैं आपके ब्लो हैच्ड स्टेक. ठीक है, यहाँ पे आपका कौन सा आंसर आता है. बी इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट ऑप्शन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं. विच टाइप ऑफ कोल्ड चिजल इज यूज्ड फॉर स्क्वायरिंग मेटल एट द कॉर्नर. जो आपके कॉर्नर्स को शार्प करने के लिए जो बनाया जाता है, चकोर करने के लिए किस प्रकार की छेनी का इस्तेमाल होगा वो आपसे पूछा गया है. वेब चिजल, या फिर क्रॉस कट चिजल, या फिर हाफ राउंड चिजल, या फिर डायमंड पॉइंट चीजल. तो यहाँ पे जो आपको देखने के लिए मिल जाती है वो होती है आपकी कौन सी, डायमंड पॉइंट चीजल. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. विच टाइप ऑफ कैलिपर इज यूज्ड टू ड्रॉ पैरेलल लाइंस अलोंग द आउटर एज ऑफ द मटेरियल. मतलब सामग्री के बाहरी किनारों पर समानांतर रेखाएं खींचने के लिए किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग किया जाता है. अब देखिए, इनसाइड कैलिपर होता है, जेनी कैलिपर होता है, आउटसाइड कैलिपर, या फिर स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर. तो यहाँ पे जो इस्तेमाल होने वाला कैलिपर है वो है आपका जेनी कैलिपर. ठीक है, यहाँ पे आपका जो आंसर आता है वो आता है आपका बी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है. फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आपसे क्या पूछा गया है. व्हाट इज द नेम ऑफ द हैमर. इस हैमर का आपसे नाम पूछा गया है. आपने ये हैमर देखा होगा, बढ़ई के पास देखा होगा. ठीक है, तो बताइए, क्लॉ हैमर है, बॉल पिन हैमर है, क्रॉस पिन हैमर है, स्ट्रेट पिन हैमर है. तो ये कौन सा हैमर है वो आपसे आपसे पूछा गया है. तो बताइए इसका आंसर क्या होगा. इसका आंसर होगा क्रॉस पिन हैमर. ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है. सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. विच डिफेक्ट इन टिम्बर इज कॉज ड्यू टू इम्प्रॉपर सीजनिंग. लकड़ी में कौन सा दोष अनुचित सीजनिंग के कारण होता है. मतलब नॉट गाठे पड़ना, या फिर ट्विस्टिंग घुमाना, या फिर चटकाना, या फिर कपलिंग. बताइए इसमें आपको कौन सा आंसर देखने के लिए मिल जाता है. अगर आपने उसकी अच्छे से इम्प्रॉपर सीजनिंग नहीं करी है तो उसमें क्या हो जाता है, कौन सा दोष हो जाता है उसमें, इसमें नॉट गांठें पड़ जाती हैं, नॉट हो जाता है, क्रैकिंग, चटक भी जाता है. सॉरी, उसमें क्या हो जाता है, चटक जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्रॉस कोल्ड चीजल. व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्रॉस कट चीजल. क्रॉस कट छैनी का क्या उद्देश्य है ये आपसे पूछ रहा है. ठीक है, जिसमें आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं. कटिंग की वेज. ठीक है, की वेज काटने में, कटिंग कर्व्ड ग्रूव्स. ठीक है, वर्क जिसे हम वक्राकार नालियां काटना, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं. सी आपको देखने मिल जाता है, स्क्वायरिंग मटेरियल्स एट कॉर्नर. सामग्री को कोनों पर
चकोर करने में, ठीक है। डी आपको देखने के लिए मिल जाता है, रिमूविंग मेटल फ्रॉम लार्ज फ्लैट सरफेसेस। बताइए। इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा? यहाँ पे जो आपके देखने के लिए मिल जाता है, इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होता है वो क्या होता है? कटिंग कर्व्ड ग्रूव्स, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर है, जो कि आपका क्या है, बी आंसर है। 32 का बी करेक्ट आंसर है, बिल्कुल ठीक है। फिर आपको देखने के लिए मिलता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस? अब कैपेसिटेंस की आपसे पूछी गई है यूनिट, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स, आपको ये तो बहुत बेसिक होता है, तो आप बताइए व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस? तो आप देखिए क्या क्या देखने के लिए मिल जाता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है। मोहो पहला ऑप्शन है आपके पास, दूसरा हेनरी है, तीसरा फैरेड है, और चौथा क्या है आपका, कोलाम है। तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस की इकाई होती है, जिसको हम यूनिट बोलते हैं, वो क्या होती है आपकी, फैरेड में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी हो जाती है वो फैरेड करेक्ट आंसर हो जाता है, बिल्कुल। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाउ कैन द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस बी डिक्रीज्ड? मतलब संधारिता के मान को कौन सा, कैसे कम किया जा सकता है, ये आपसे पूछा गया है। इंक्रीजिंग पहला ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है, इंक्रीजिंग द प्लेट एरिया, इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेट, इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स यूजिंग हाई डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। बताइए 34th का क्या होगा, वो बताइए आप, क्या आंसर होगा इसका?
हेलो, अब आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो, हेलो, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आज बहुत प्रॉब्लम हो रही है वॉइस में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम जो है इससे आगे क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड